आप तो मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। मैं ये अम्मी को वापस करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होंगी। राहिला भी वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख लो, कोई मुनासिब सा वक्त देखकर वापस कर देना। भाई ठीक कह रहे हैं, घर का कब्जा वापस मिल जाए तब ये चेक दे देना उनको। ओय अल्लाह, आज तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पे सोतल लेकर आ रहे है और तुम शादी में शिरकत की तैयारी कर रही हो। अरे बुआ फजूल बातें मत किया करो, जब बेटी नहीं रही तो कैसी सौतन और कैसा सौतन का दुख। रानी बेटी राज करे। रईसा बहन, ये क्या बचपना है, बच्चों की खुशी में खुश होना पड़ता है। अगर बच्चे खुशी खुशी कुएं में छलांग लगाएं, तब भी खुश होना पड़ता है। अम्मी चंद लम्हे तो मिलते हैं खुशियों के। तुम चुप करो, तुम तो हर हाल में खुश हो, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। रईसा बहन, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। तो क्या मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, अपनी बेटी के कफन पर इस तरह खुशियां मनाते हुए? नहीं ना, मेरे में तुम्हारा जैसा हौसला नहीं है। अपनी औलाद की खुशी के लिए हौसला करना पड़ता है। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर अभी आपका यह हाल है तो बाद में आने वाली को कैसे बर्दाश्त करेंगी आप? यही तो सोच रही हूँ कि मैं उसको उस घर में कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे गुजारा होगा उसके साथ। मुझे सब कुछ बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या हो गया अम्मी? राहिला, चलो छोड़ दो, तुम खाना लगवाओ, मैं लेकर आती हूँ रईसा बहन को। ठीक है अम्मी। तनी क्या हो गया? जहां से बेटा, ये तो सना की जिद है। अन्ना मैंने तो सोचा था इधर कच्ची बस्ती में एक परले का क्वार्टर लेकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं पे गुजार दूं। सना के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है जो मुझे प्लीज अदा कर दे। बड़ी मेहरबानी, मगर बेटा जो भी करना बस अपनी अम्मी की रजामंदी से करना, कहीं ऐसा ना हो ना कि वो मुझे जबरदस्ती का मेहमान समझ ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी हैं, मजाज की थोड़ी कर दी है, ठीक कर लूंगी। ढालूंगी यार। शाबाश बेटा। देखो सना, ससुराल वालों का दिल जो है ना, प्यार से जीतना चाहिए, भले वो तलख बात भी करें, लेकिन तुम अपनी मिठास से, अपने प्यार से उनका दिल जीतना। जी ऐसा ही होगा, सना तो है ही। जाए जाए, तारीफ करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिए अपना भी और सना का भी। ठीक है बेटा। बहुत अच्छे हैं, एक तो उनकी माँ ना की तारीफें कर करके ना जबड़े दुख गए मेरे। फिर भी बेटा सना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों की ना खुशामद और चापलूसी करते रहना चाहिए, फिर ठीक रहते हैं। माफ कीजिएगा मुझे, वो जो मोहतरमा मेरे साथ कर चुकी है ना अब तक, ये चापलूसी तारीफें आज तक के लिए हैं, कल से नहीं करूंगी। शाबाश,
चाय बनाते हैं। तो बहन, मेरी परेशानी बिला वजह नहीं है। हकीकत में जहां जेब अपने आप को अंधे कुएं में धकेल रहा है। रईसा बहन, आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल क्यों नहीं देती? देखिए, पहले भी तो आपकी दो बहुएं थी ना, साइमा और शकीला। दोनों के मिजाज कितने फर्क थे, फिर भी तो आपने उनके साथ गुजारा किया ना। तो क्या जरूरी है कि वो कहानी फिर से मेरे घर में दोहराई जाए? राहिला को मैं बुरा भला कह देती हूँ, लेकिन वो मुस्कुरा कर मेरा गुस्सा ठंडा कर देती है। और ये लड़की सना, आई डोंट नो। अरे रईसा बहन, जिस लड़की के बारे में आपको पता नहीं, आप जानती नहीं, आपने उसके साथ अभी तक मिला बरता नहीं, उसके बारे में आप अंदाजे कैसे लगा सकती? मेरा अंदाजा गलत नहीं है। आज दफ्तर से मैनेजर का फोन आया था। जानती हूँ क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि क्लिफ्टन ब्रांच की बिल्डिंग खाली करा रहा है जहाँ जेब। बिल्डिंग खाली कराने से सना का भला क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, जहाँ जेब अपने कारोबार को नुकसान पहुँचाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि रजिया की रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। क्या रजिया? हर सास तुम्हारी तरह खुददार और रवादार नहीं होती, जो अपने दामाद की अमीरी को अपनी खुददारी के लिए ताना ना बनने। देखिए, अगर ऐसा है तो आपको जहांजेब से पूछना चाहिए, बात साफ हो जाएगी। जहांजेब के दिमाग में तो आजकल भूत सवार है, और मैं नहीं चाहती कि शादी के एक दिन पहले पंडोरा खोल के बैठ जाओ और घर का माहौल खराब हो जाए। ये हुई ना बात। चले, अब आप अपना मूड ठीक करें और शादी को खुश असलूबी से होने दें, वरना जहांजेब सारा इल्ज़ाम आपको देगा। चलिए उठिए, अपना मुंह ठीक कीजिए, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। आइए। तुम ये जेवर कपड़ों के लिए अफसोस मत करो, जो कुछ भी है उसे कबूल कर लो। वैसे भी तुमने रईसा बेगम की सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती खजाना जो है वो अपने कब्जे में कर लिया, जहां जेब। खाला, मुझे समझ नहीं आती कि कोई माँ अपने बेटे से इतनी दुश्मनी कर सकती है। अपने बेटे की मोहब्बत को कौड़ियों के दाम में बेच दिया, हद होती है। वैसे शन्नो पुप्पो ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। चलो, कोई हमदर्द तो मिला। से शन्नो ने तो आने के लिए बोला था ना, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। वो जितनी भी कमजोरियां हमें रईसा बेगम की बताएगी, वो सब हमारे लिए फायदा मंद है। हो सकता है फुर्सत ना मिली हो आने के लिए। लेकिन खाला, ये जो घर के बेदी होते हैं ना, घर की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, सुतूनों को हिला के रख देते हैं। फिर भी एक बार आजमा जरूर लेना, ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी करो और जहांजेब की नजरों से गिर जाओ। आप फिक्र ना करें, इस दफा बारी मेरी है। मैं खाऊंगी भी मनपसंद, मुंह भी चलने नहीं दूंगी। शाबाश। गुड्डू बहन, अब तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। रईसा आपा, ये तो आपकी मोहब्बत है, और जहां से ये बदनान और राहिला का इसरार है कि मैं वलीमे तक यहां रुक गई, वरना मैं जहां से बेटा आओ। जहां से रात तुम बहुत देर से आए, कहाँ थे तुम? खाना भी नहीं खाया? खाना तो मैंने अब जहांजेब, तुम्हारी सारी तैयारी वक्त पर होनी चाहिए, खास तौर पर तुम्हारी अपनी तैयारी। तैयारी? मेरी कौन सी तैयारी? लीजिए रईस आपा, बताइए इसे। आजकल तो लड़के लड़कियों से ज्यादा तैयार होते हैं। वैसे जहांजेब, तुम कहाँ? अब अरे जाओ बेटा, जाओ जाकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे में, जाओ। जी। रईसा आपा, आपको पता है ना, पहले ही जहांजेब बहुत परेशान है, आप उसे ज्यादा सवालों जवाब ना करें,
अच्छा मैं जरा किचन देख कर आती हूँ। हाँ आप आराम कीजिए। अरे कहाँ देखोगी तुम, मैं आती हूँ, बैठे। ये तो बड़ी परवेज बेटा। अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है? बाल बना रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये कमरा खाली कर दूँ, थोड़े ही टाइम तो रहेगी तुम्हारी शादी में। अरे कैसी बातें कर रही हैं, ये कमरा भाई और भाभी का है। हाँ अच्छा, तो फिर बाहर की बैठक खाली करवा दूँ, एक चारपाई पड़ी हुई है वहाँ। खाला वो चारपाई अम्मी जी की है, अब अम्मी जी की चारपाई बाहर आएगी क्या? अच्छा तो फिर दुल्हन का पलंग कहाँ डलवाऊँ, बाहर छप्पर तले खुले सहन में? हाँ कह तो ठीक रही है, क्या करें। शुक्र है तुम्हें कुछ फिक्र तो हुई। चलो ऐसा करती हूँ कि बाहर छप्पर तले डलवा देती हूँ तुम्हारी चारपाई। है क्या गजब कर रही हैं आप। ऐसा करती हूँ कि भाई दो तीन बेडशीट लेके चारों तरफ दीवारें लगवा देती हूँ और अंदर पंखा रखवा दूंगी। है सही है? अल्लाह तौबा है तुमसे भी, पंखा चलेगा तो चादरें उड़ नहीं जाएंगी। अच्छा अच्छा बात सुन, बहुत कम दिन रह गए तेरी शादी में, कहीं पे शिकायत ना करना कि आंधी चली और मेरा कमरा उड़ गया और साथ दुल्हन का घूंघट भी उड़ गया, तुझे ये तकलीफ भी नहीं करनी पड़ी। है देख बात सुन ले, सोच ले, कर ले अपना इंतजाम, कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन हवाओं से लड़ती गाती फिरे, चली हटरी हवा घूंघट ना उठा, चली हटरी हवा घूंघट ना उठा, मेरा मुखड़ा बालम देखेगा। खाला कह तो ठीक रही है लेकिन क्या करूं, भाई भाभी का कमरा ये, अम्मी जी की चारपाई। सायमा ठीक है, सारे जहां का हुस्न चुराए बैठी है यहां पर। शकीला मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे दोस्तों की तरह करें, दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक ही उम्मीद रखूंगा कि बड़े महान और भरोसे से मैंने तुम्हारा हाथ थामा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत, अपनी केयर और अपने सलूक से भरोसे को कायम रखो, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बड़ी बहू। जी मैं जानती हूं, और आपको मेरे अखलाक और रवैये से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बड़ी बहू के फराइज क्या होते हैं मैं बखूबी जानती हूं। पक्का वादा, कभी ना टूटने वाला। Thank you.
शकीला मैं दरवाजा खुला देखा तो बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। बेटा ये तस्वीर अब तुम मुझे दे दो। जी देखो बेटा, तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, बेहतर है अपने माजी को फरामोश कर दो। माजी को कब भुलाया जा सकता है आंटी, ये तो दिल में धड़कन बनकर बस जाती है हमेशा के लिए। बेहतर होगा बेटा तुम अपने दिल की धड़कनों को सना के नाम कर दो और शकीला की यादों को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दो, खामोश एहसास बनाकर। जी मैं भी यही चाहता हूँ। आप ये तस्वीर ले जाओ। ये तस्वीर तो मैं लिए जा रही हूँ, लेकिन बेटा ख्याल रखना तुम अपने घर से शकीला का एहसास भी ख़त्म कर सको जो इस घर में चप्पे चप्पे पर कोने कोने में यहाँ वहाँ हर जगह मौजूद है। दुआ करें कि सना ये एहसास ख़त्म कर सके, शकीला की परछाइयों की जगह सना हकीकत बनकर छा सके। खुदा करे ऐसा ही हो। देखो जहाज़ेब, मेरा मेरा ये हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी रईसा आपा के लिए मैं तुम्हें ये बात कहूँगी कि तुम सना को समझा देना कि तुम्हारी अम्मी के दिल से शकीला का एहसास मिटा दे। जी मेरी कोशिश होगी कि अम्मी को शकीला की कमी महसूस ना हो, लेकिन अम्मी शायद सना को एक्सेप्ट ना कर पाए। सना को अपनी जगह बनानी होगी क्योंकि तुम्हारी अम्मी खुद से उसे कोई भी जगह नहीं दे पाएंगी, क्योंकि शकीला ने इस घर में अपनी मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानियों से गहरे नक्श छोड़े हैं। तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी परवेज भाई, चार डिशों से कम नहीं होनी चाहिए और सब एक से बढ़कर एक। भाभी 200 लोग और चार डिश किस लिए? क्यों वलीमा नहीं करना तुमने, महल्ले वालों को नहीं बुलाना? और एक बात बता दू, तुम्हारी भाभी ने महल्ले का एक घर नहीं छोड़ा दावत देने को, सबको बुला ली। हाँ और कल मेहंदी भी तो है, कल के लिए गोला कबाब और पराठे और हलवा होना चाहिए। आप दोनों ये क्या करने जा रहे? अबे तू जाता है या नहीं? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाँ वो भाई, असल में कमरे में गर्मी बहुत, तो हमने सोचा अपना सामान बांध के हम इधर आ जाए। क्यों शकीला? हाँ यहाँ देखो खिड़कियां भी दो दो है ना। भाई खूब समझता हूँ आपकी गर्मी को मैं, आप लोग यहाँ रहे ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। रानी बेटी राज करे। खैर कुछ भी है, आखिर तुम्हें उन्हीं के घर जाना है ना, दुल्हन बनकर, इज्जत बनकर। इस बात की फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मुझे अपनी फिक्र खुद ही करनी है, अच्छी तरह जानती हूँ। ये शादी रईसा बेगम के फैसले के खिलाफ हो रही है, सोच लें क्या होने वाला है मेरे साथ। हक में हर 5 लाख नहीं,
बल्कि 20 लाख। क्या?